अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेरी शॉर्ट एंड क्विक इंट्रो कर लेते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रमज़ान हमारा का महीना एंड होने वाला है, लेकिन मैंने आपके साथ अभी तक रमज़ान की रूटीन शेयर नहीं की है। बात तो सही है। तो वीडियो इज हेयर। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जो मज़ेदार सी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो का आगाज़ होता है तहज्जुद के टाइम से। सबसे पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, देन फिर हम लोग करते हैं सहरी। सो फिर मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ सहरी करने के लिए, और सहरी में आज मैंने खाया कबाब, पराठा, फेनी और लस्सी, एंड दैट्स इट। फिर मैं आ जाती हूँ किचन क्लीन करने के लिए, जल्दी से किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर जो है फजर की नमाज़ अदा करती हूँ। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, और हर नमाज़ के बाद मैं एक अलग सूरत पढ़ती हूँ, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अच्छा, और फिर मैं सो जाती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ, लाइक बाल वगैरह बना के जब बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं जो है सफ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। कभी सफ़ाई मम्मा करती हैं, कभी मैं करती हूँ, तो हम दोनों जो है मिलके एक साथ काम कर लेते हैं। और सफ़ाई मैं कभी जोहर की नमाज़ से पहले करती हूँ, कभी मैं असर की नमाज़ के बाद करती हूँ, क्योंकि जोहर से असर तक मैं इबादत करती हूँ थोड़ी बहुत। इबादत में क्या करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, थोड़ी बहुत तस्बीहात कर लेती हूँ। वो इस तरह के सबसे पहले मैं जो है जोहर की नमाज़ अदा करती हूँ। जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हर नमाज़ के बाद एक सूरत पढ़ती हूँ, तो जोहर की नमाज़ के बाद मैं जो है सूरह फतह पढ़ती हूँ। देन फिर जो है मैं थोड़ी सा कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं तस्बीहात कर लेती हूँ जब तक असर की अज़ान नहीं हो जाती। देन मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ, और असर के बाद मैं सूरह नबा पढ़ती हूँ, एंड देन इबादत से फ्री होकर मैं चली जाती हूँ घर की लाइट्स ऑन करने के लिए। एक एक करके मैं सारी लाइट्स ऑन करती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। और फिर मैं आ जाती हूँ मम्मा की हेल्प करवाने के लिए, लाइक थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ। और फिर किचन में आ जाती हूँ तो मम्मा पहले से आई हुई होती हैं, मम्मा जो है पकौड़ों वगैरह का बैटर रेडी करके रख लेती हैं। मैं आकर जो है फ्राई वगैरह कर लेती हूँ, समोसे, पकौड़े, चिप्स, नगेट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इफ्तार के लिए, इनको मैं रेडी कर लेती हूँ। एंड देन दस्तरखान बिछाती हूँ, और फिर वो सारी इफ्तार जो हमने रेडी की होती है उसे एक एक करके दस्तरखान पर पहुँचाती हूँ, और इस तरह हमारा इफ्तार का दस्तरखान रेडी हो जाता है। और इस महीने की रौनकें और इस महीने में इबादत करने में जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का होता है। हम पूरे साल भी इबादत करते हैं, अल्लाह पाक से नमाज से पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन इस महीने में जो इबादत करने में, नमाज से पढ़ने में, अल्लाह पाक से दुआएं मांगने में मज़ा है ना, वो बिल्कुल ही अलग किस्म का होता है। स्पेशली जब हम इफ्तार के दस्तरखान पर बैठ कर अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएँ मांगते हैं, वो दुआएं मांगने में इतना इतना मज़ा आ रहा होता है कि वो फीलिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो आप लोग भी जब भी दुआएं मांगा करें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी खास दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब के तमाम रोज़ों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए, हमारी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अब इफ्तार का टाइम हो जाता है तो खजूर से रोज़ा इफ्तार करती हूँ, उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करने चली जाती हूँ, और मगरिब के बाद मैं पढ़ती हूँ सूरह वाकिया। सूरह वाकिया पढ़ने के बाद फिर मैं जो है किचन में आ जाती हूँ इफ्तार के जो बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए, और उन्हें वॉश करने के बाद हमारी हो जाती है जी पार्टी स्टार्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? जो इफ्तार बची हुई होती है वो खाते हैं, क्योंकि मगरिब की नमाज में इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम पूरी इफ्तार करें उसके बाद हम नमाज पढ़ें, तो इसलिए हम पहले इफ्तार थोड़ा बहुत कर लेते हैं और नमाज पढ़ने चले जाते हैं, देन उसके बाद आके फिर हम आराम से सुकून से इफ्तार को इंजॉय करते हैं अपनी, थोड़ी बातें शातें करते हैं, खाना पीना इंजॉय करते हैं अपना। और फिर ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है तो फिर ईशा की नमाज़ अदा करते हैं, और ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं पढ़ती हूँ सूरह मुल्क पढ़ती हूँ और सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, और फिर थोड़ा सा कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभार स्किप भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं पढ़ लेती हूँ रात में भी। एंड देन फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, और इसी तरह फिर तहज्जुद का टाइम हो जाता है तो वापस तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, और फिर वही रूटीन मेरी जो है अगेन स्टार्ट हो जाती है। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रमज़ान से ही रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं आपको वहीं पर मिलूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।